हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गोरेपन से अलग। हम सभी को गोरा होने का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है ना। हम इंडियंस को गोरा बहुत ज़्यादा होना है। हम इंडियंस क्या, हम जो एशियंस हैं उनको गोरा होना है, हर किसी को गोरा होना है। हो गए हो आप, गोरे हो, फेयर कलर के हो या हो गए हो, जैसे भी, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास चेहरे पर दाग धब्बे हो, किसी तरह का पिगमेंटेशन हो, किसी तरह के दाग धब्बे हो, तो उस गोरेपन का क्या फ़ायदा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि बेशक आपकी स्किन का कलर जो भी हो, फेयर हो, डार्क कलर हो, लेकिन चेहरे पर दाग ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। जो दाग धब्बे पिगमेंटेशन के निशान होते हैं वो ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। आपके जो भी चीज़ें घर में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर गिव अवे चल रहा है जो अभी ओपन है, तो आप जाके गिव अवे वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। रूल्स फॉलो कीजिए एंड और क्या पता इतना बड़ा गिव अवे जो है वो आप ही विन कर जाओ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइए, और बेल बटन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना, क्योंकि ऑल ऑप्शन क्लिक करोगे तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये बीच बीच में थोड़ी सी आवाज़ आपको समझ में आएगी, वो लड्डू खेल रहा है बगल में, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन एंड चावल का आटा। तो बेसन और चावल का आटा दोनों आधा आधा स्पून आप ले सकते हो, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर आपको पूरी बॉडी में लगाना है तो आप ज़्यादा अमाउंट में भी बना सकते हो। इसके बाद हमें चाहिए कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी थोड़ा सा ही लेना है, एकदम आधा चम्मच से भी कम, और उसको मिक्स कर देना है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब मैंने इसमें लिया है एप्पल साइडर विनेगर। यहाँ पर मैं सेंट बोटानिका का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ। इस ये बहुत ही अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको इनकेस चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्पल साइडर विनेगर है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है, आप 2 चम्मच ही लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेस्ट है आपके स्किन के लिए। ये ऑयल को कट करता है एंड आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल फेंके। डायलूटेड हनी रखना है। डायलूटेड हनी यानी हनी को हनी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने इसको डायल्यूट कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे इसमें डाल के, मिक्सर में डाल के इसको पेस्ट अच्छा सा बनाना है। ये बहुत पतला पेस्ट नहीं बनेगा, ये थिक पेस्ट बनेगा, और इसको ही लगाना है। तो ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा, इतना ही थिक पेस्ट आपको बनाना है। अब देख सकते हैं ये पेस्ट है। अब इसको लगाने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना होगा। तो मैंने अभी टोनर लिया है, टोनर को एक कॉटन बॉल में लेकर उससे अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो गुलाब जल ले सकते हैं, आप चाहे तो पहले आप फेस वॉश करके आ सकते हैं, या क्लींजिंग मिल्क से भी अपना चेहरा क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं ये रेमेडी को, जो DIY फेस मास्क है, इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी, और आप देखोगे जब ये फेस मास्क मैं वॉश करके आऊँगी तो आप देखोगे कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मेरे फेस पर आया है। और अभी लड्डू थोड़ा सा शैतानी कर रहा है, देख रहा है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, और उसका वो हंसे जा रहा है। मैंने इसका साउंड म्यूट कर दिया है। तो अभी आपको 15 से 20 मिनट तक रुकना होगा, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब इसको धोना है आपको नॉर्मल टैप वाटर से। अभी देख सकते हो आपकी ये ड्राई आउट हो चुका है। अब मैं इसे जा रही हूँ धो के, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि मैं अभी फेस धो के आई हूँ, पानी से जस्ट मैंने फेस धोया है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फेस पैक यूज़ कर, किसी भी तरह का फेस पैक यूज़ करने के बाद आपको आइस क्यूब से अपने फेस पे सिकाई कर लेनी चाहिए, तो वो ज़रूर कर लेना। मैंने अभी नहीं किया है लेकिन मैं करूँगी। आप देख सकते हैं खुद फ़र्क। ये फेस पैक आपको वीकली 2 बार लगाना है इस गर्मी में, और ट्रस्ट मी, आपके स्किन पे जितने जो दाग धब्बे पिगमेंटेशन के निशान होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, सब रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे। DIY चीज़ें थोड़ी सी लेट काम करती है लेकिन करती है, और अच्छी बात ये होती है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी के साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
और जो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, आवाज हो रही है, वो लड्डू खेल रहा है तो वो आवाजें कर रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकती, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना, आप लोग समझ सकते हो। तो फर्क आप खुद ही देख सकते हो क्या फर्क आया है एक बार के ही यूज में। इसमें कोई भी ऐसी सामान मैंने नहीं मिलाया है जिसका किसी तरह का साइड इफेक्ट हो। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप एप्पल साइडर विनेगर स्किप कर सकते हो, आप नींबू का यूज़ कर सकते हो, अगर वो भी नहीं करना है तो आप सिर्फ पोटैटो जूस का ही यूज़ कीजिए, वो भी इनफ है, वो भी ब्लीच का ही काम करता है, आपके स्किन के ओरिजिनल स्किन टोन को वो बाहर लाएगा। ये नहीं बोलूँगी कि वो आपको गोरा कर देगा, नो, आपके ओरिजिनल स्किन टोन को वो बाहर लाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल बटन जरूर दबा लेना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी मैं वीडियो डालूँ। वैसे मैं रोज़ एक वीडियो डाल देती हूँ तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को विजिट करके देखते रहना। एक बार और बोल दूँ कि गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पक्का कर लेना गिव अवे में पार्टिसिपेट, और जल्दी ही 50,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कीजिए ताकि मैं जल्दी से विनर को अनाउंसमेंट कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।